सना मकबूल, लवकेशु, विशाल और शिवानी कुमारी के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि बिग बॉस के ख़त्म होने के बाद ये लोग अपने घर पहुंचते हैं। जैसे कि सना मकबूल तो चलो मुंबई में रहती है, विशाल भी मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिवानी है और लवकेशु है वो मुंबई में नहीं रहते थे, तो आज जो है ना वो अपने अपने घर पहुँचे हैं जहाँ पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। जैसे कि लवकेश का वीडियो आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड वेलकम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ढोल वोल बज रहे थे और बाकायदा उनकी आरती वारती उतारी गई है जब उनको उनकी घर में एंट्री हुई है दोबारा से। देखिए खुशी तो होती है कि मतलब हमारे घर का लड़का बिग बॉस में पहुंच गया, दोस्तों को खुशी होती है, दोस्त आगे पीछे थे, मोहल्ले वाले काफ़ी खुश होते हैं, जिनको खुश होना होता है तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। शिवानी कुमारी भी पहुँची, बहुत सारा उन्होंने हार पहन रखा था, मतलब कानपुर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रैंड वेलकम किया गया, तो उन्होंने बहुत सारे फूलों की माला पहन रखी थी, तो उनका भी काफ़ी ग्रैंड वेलकम हुआ। ऑफ कोर्स वो अपने व्लॉग में दिखाएंगी। साथ ही यहाँ पर सना मकबूल की अगर हम बात करते हैं तो सना मकबूल ने आज जो है ना माही विच की बेटी तारा का हैप्पी वाला बर्थडे है तो उसको अटेंड किया है। और रही बात विशाल की, तो विशाल जो है ना फ्रेंडशिप डे जो है ना मनाने के लिए ओल्ड एज होम गए, जहाँ पर उनके मम्मी पापा भी थे, तो ये देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बाकायदा वो फ्रेंडशिप बैंड्स लेकर के गए थे, मिठाइयाँ वगैरह लेकर के गए थे, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने आज का जो दिन है वो बिताया है। लवकेशु घर पहुँच चुके हैं, ग्रैंड वेलकम उनका हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं एक एक्सपीरियंस लेने आया था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस जो है ना मिल चुका है। फिलहाल ये जो चार लोग हैं ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, कहीं ना कहीं बिग बॉस ने कोशिश की, निकाल भी दिया, लेकिन बाहर आकर के ये एक साथ दिखे, इनफैक्ट ग्रैंड फिनाले में भी एक साथ आ गए थे। तो क्या कहना है आपका, आप किसको आप फॉलो करने वाले हैं, किसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं इन चारों में से, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।